स्टोरी नेम दोस्तों की दुनिया एक छोटा सा गांव था जहां चार प्यारे दोस्त रहते थे, अहमद, समार्क, अय्यत और हफ्सा। ये चार दोस्त हर वक्त एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे। एक दिन उनको एक नया रास्ता मिला जो उनके दोस्ती को और भी मजबूत बनाएगा। एक प्यारा सा जंगल था गांव के पास। दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो जंगल एक्सप्लोर करेंगे। सभी बच्चे अपने बैकपैक्स लेकर निकले और जंगले की तरफ चाल पर ही। उनके साथ उनका छोटा सा कुत्ता रॉकी भी था। जंगल में घूमते हुए बच्चों ने देखा कि वहां कुछ अजीब चीजें हैं। एक छोटी सी झील थी और उसके पास एक पुरानी हावली भी थी। दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना इस हावली को एक्सप्लोर करें। हावली में घुसने पर बच्चों ने देखा कि वहां एक पुरानी किताब थी। बच्चे ने उससे खोला और एक प्राणी के बारे में पढ़ा। यह प्राणी सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी में ही रह सकता था। बच्चे सोचने लगे कि क्यों ना हम भी इस सच्चाई और ईमानदारी के प्राणी की तरह बन जाएं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर समय सच्चाई में रहेंगे, दोस्ती में भरोसा करेंगे और अपने गलतियों से सीख लेंगे। उनका यह नया फैसला उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। फिर से गांव लौटकर बच्चे ने अपने नए इरादे को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। गांव में हर कोई उनके नए नजरिए से इंप्रेस्ड हुआ। दोस्तों की दोस्ती और भी गहराई में गई। जैसे ही वो जंगल वापस गए, उन्होंने देखा कि जंगल में रहने वाले जानवर भी उनके नए इरादे को देखकर खुश थे। उन्होंने बच्चों को अपने साथ खेलने को कहा। अब से हर कोई एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगा। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी में रहना कितना जरूरी है। दोस्तों की दोस्ती और भी मजबूत होती है जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और अपने इरादे साफ रखते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपके बच्चों को पसंद आएगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल और किड क्रेज TV।